हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियान वांग ऐसा शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैन कुरैन जो थे ना, वो भिंग के फादर को ना एक मतलब पत्र भेजते हैं। तो उस पत्र में लिखा होता है कि हमारी यहाँ ना मतलब रिचुअल्स करना है लैन सैन और भिंग के शादी के बाद वाला, तो उन दोनों को प्लीज़ भेज दीजिए यहाँ पर, और वो दोनों यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे और उसके बाद ही जाएंगे वापस, ऐसा लिखा होता है। तो भिंग के फादर जो है ना, वो भिंग को ना बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि तुम्हें और लैन सैन को लैन क्लैन जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा भिंग ना हाँ बोलता है, और उसके बाद ना वो जाकर लैन सैन से कहता है कि हम लैन क्लैन जाएंगे कुछ दिन के लिए, वहाँ पर कुछ रिचुअल्स करने हैं, ऐसा सब बताता है। तो लैन सैन कहता है कि हम तो मतलब युआन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, वो तो अकेला रह नहीं सकता, उसको ना मुझे मतलब खाना खिलाना रहता है, उसका ख्याल रखना रहता है। और लैन सैन कहता है कि हम युआन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो भिंग ना पहले नहीं मान रहा होता है युआन को अपने संग ले जाने के लिए, लेकिन जब देखता है कि लैन सैन के बिना युआन भी नहीं रह पा रहा है, तो भिंग हाँ कह देता है। और उसके बाद ना वो दोनों ना मतलब लैन क्लैन आने के लिए निकल जाते हैं, और ना लैन क्लैन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर ना लैन सैन के भाई और अंकल आए हुए थे उनको ले जाने के लिए। और ना हमारे भिंग को जैसे मतलब धूप ना लगे, इसी वजह से ना वहाँ पर ना मतलब सब रूम में ना पर्दे लगा दिए गए थे, और ऐसा सब इंतज़ाम किया गया था। और लैन सैन और भिंग के साथ ना गार्ड भी गए थे, और अंकल और सिचेनगा ना लैन सैन के गोद में ना बच्चे को देखकर ना हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लैन सैन और भिंग की शादी को तो अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो मतलब ये बेबी किसका है कह के वो दोनों सोच रहे थे। उसके बाद ना वो दोनों ना इन लोगों का स्वागत करते हैं अच्छे से, और लैन कुरैन जो थे ना हमारे लैन सैन को अपने पास बुलाते हैं बात करने के लिए। तो लैन सैन वहाँ जब जाता है ना, तो अंकल पूछते हैं कि वो बेबी किसका है बोलते हैं, तो लैन सैन कहता है कि वो मेरे हस्बैंड का बेबी है बोलता है। तो अंकल पूछते हैं कि क्या उसने पहले भी शादी किया था बोलते हैं, तो लैन सैन कहता है कि अंकल मुझे नहीं पता है कुछ भी, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बेबी जो है वो भिंग का है, भिंग ने मुझे इतना ही बताया है बोलता है। उसके बाद ना अंकल जो है ना लैन सैन को ना उसके मतलब जिंक्सी में भेज देते हैं, और ना वो भिंग को बुलाते हैं और पूछते हैं कि राजकुमार भी आपने पहले भी शादी किया था, आपका एक बच्चा है, लैन सैन ने मुझे ऐसा बताया है बोलते हैं। तो भिंग कहता है ऐसा नहीं है अंकल, वो बेबी ना मेरे सीजे का है, मेरी बड़ी बहन का, वो भी एक वैम्पायर थी, और ना उनका ना डेथ हो गया है, और मतलब मैं बेबी को संभाल रहा हूँ, अपने पास रखा हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन का आखिरी निशानी है, ऐसा बोलता है। तो मतलब अंकल हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना वो ना भिंग को ना लैन सैन के रूम में भेज देते हैं, और हमारा भिंग सोच रहा था कि लैन सैन को मुझे सब बताना होगा सोच रहा था। भिंग लैन सैन के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है बोलता है। तो लैन सैन जो है ना युआन को सुला रहा था, तो युआन सो गया था। उसके बाद ना हमारा भिंग कहता है कि ये बेबी जो है ना मतलब युआन जो है ना वो मेरा बेबी नहीं है बोलता है। तो हमारा लैन सैन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा बेबी है। तो हमारा भिंग ना मतलब शुरू से बात बताता है कि मेरी सीजे जो थी ना मतलब याली सीजे, ये उनका बेबी है, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी और उन्होंने ना एक इंसान से प्यार किया था, तो वो दोनों ना एक साथ रहना चाहते थे, तो वो दोनों ना भाग के शादी कर लिया। उसके बाद ना वो दोनों अच्छे से रहने लगे एक साथ, और जब मेरी सीजे ना मतलब युआन को बर्थ दे रही थी ना, तभी ना उनका ना डेथ हो गया, और मुझे जब ये पता लगाना तो मैं वहाँ पर गया, तो उनके जो हस्बैंड थे ना वो भी ना मतलब मेरे सीजे का मौत देख कर ना
उनका भी हालत ठीक नहीं था और वो भी कुछ दिन मतलब ज़िंदा रहे, उसके बाद वो भी गुजर गए। और इसलिए मैं युवान को अपने साथ रखता हूँ क्योंकि वो मेरी बहन का आखिरी निशानी है मेरे पास, ऐसा बोलता है विहंग। तो ये सुनकर ना हमारे लैंसन को बहुत बुरा लगता है कि युवान के मम्मी पापा नहीं रहे, और ना वो सोचता है कि मतलब विहंग अच्छा है, उसने मुझे सब बता दिया और वो अच्छा है, इसी वजह से तो अपने बहन का मतलब बच्चे को अपना बना कर रखा है, ऐसा सोच रहा था मन में। और ना उसके दिल में ना मतलब विहंग के लिए भी फीलिंग्स आने लग गई थी। उसके बाद ना वो दोनों को ना मतलब रिचुअल्स करने थे, तो वो दोनों ना करने जाते हैं वहाँ पर, और युवान को भी लेकर जाते हैं अपने साथ क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। तो वो दोनों ना रिचुअल्स फॉलो करते हैं और सब करते हैं। उसके बाद ना हमारा विहंग जो था ना, वो ना मतलब वो दोनों जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना रात का, तो वहाँ पर ना मतलब विहंग के लिए ना अलग से खाना बनवाया गया था क्योंकि वो प्लेन फूड नहीं खाता ना इसी वजह से, और हमारा लैंसन ना प्लेन फूड खा रहा था अच्छे से। और वो दोनों ना खाना खाते हैं, उसके बाद ना वहाँ का तो रूल था कि 9 बजे से सो जाएं, लेकिन हमारे विहंग को नींद कहाँ से आने वाली थी, तो वो ना जाकर ना मतलब अपने लिए ना ड्रिंक लाता है, और घुस में ड्रिंक मतलब करना मना था लेकिन उसको पता है, लेकिन फिर भी उसने लाया हाँ। और वो ना चुपचाप मतलब अपने रूम में जाता है, और ना उसने ड्रिंक भी किया हुआ था लेकिन उसको चढ़ी नहीं थी क्योंकि वो मतलब पीता था इसी वजह से। और ना हमारा लैंसन जो था ना, वो विहंग का वेट कर रहा था, और मतलब कहाँ गया करके उसका वेट कर रहा था। और ना वो लैंसन ने ना अपने लिए ना मतलब टी जो होती है ना वो निकाली हुई थी पीने के लिए। तो हमारा विहंग जब आता है ना, विहंग भी ना अपने लिए ना ड्रिंक निकालता है एक कप में, और ना वहाँ पर रख देता है। और ना हमारा लैंसन जो है ना, वो विहंग को देखते हुए कह रहा था कि यहाँ पर ड्रिंक करना मना है और तुम ड्रिंक कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा सब बोल रहा था गुस्से में। और ना वो गलती से ना मतलब विहंग का ड्रिंक पी लेता है, मतलब चाय की जगह वो ड्रिंक पी लेता है। तो उसने तो कभी ड्रिंक की नहीं थी, तो वो उसको ना चढ़ गई, मतलब थोड़ा सा पिया था उसने और उसी में उसको चढ़ गई। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लैंसन जो है वो ड्रिंक किया हुआ है, तो नशे की हालत में वो क्या क्या करता है विहंग के साथ। और ना आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और एक बात हाँ, मैं 15 तारीख को ना मतलब नहीं रहूँगी, मेरे को बाहर जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो ना मैं कुछ दिन तक शायद वीडियो अपलोड भी ना कर पाऊँ। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं कर भी दूँगी। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता देना हाँ। ओके बाय।